आज सुबह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर मोड़ इस्लामाबाद से एयरपोर्ट तक मेट्रो बस का आगाज़ कर दिया, सिता कर दिया है। और सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको बता दूं कि रमज़ान में इसका किराया बिल्कुल फ्री है। तो अब मुसाफिर एसी में बड़े सहूलत के साथ एयरपोर्ट तक सफ़र कर सकते हैं। और वज़ीर आज़म साहब की खसूसी हिदायत पर यह फैसला किया गया है कि रमज़ान में इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। बहुत ही अच्छा फैसला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़, मैं हूँ इस्लामाबाद से अहमद अवान। आज सुबह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर मोड़ इस्लामाबाद से एयरपोर्ट तक मेट्रो बस का आगाज़ कर दिया, सिता कर दिया है। 15 बसों पर यह मुश्तमिल है और हर थोड़ी देर बाद यहाँ से बस निकलती है एयरपोर्ट के लिए। एक बहुत बड़ा मतनाज़ा बना हुआ था, 4 साल से इसका इफ्तिताह नहीं हो सका था, आज शहबाज शरीफ साहब ने इसका इफ्तिताह कर दिया है। आइए चलकर आपको दिखाते हैं कौन कौन से रस्तों से ये मेट्रो बस गुजरती है और कितनी देर में पहुंचाती है एयरपोर्ट। और पहले जो है वो एयरपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा, आप यकीन करें, बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती थी वहाँ पर जाते हुए। और कम से कम कोई भी कैब वाला जो है वो 2000 से कम तो लेता नहीं था। कंपेरेटिवली टू दैट फेयर जो हम पे करते थे पहले 2000-3000, तो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है और बहुत ही एक अच्छी सहूलत है। और सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको बता दूं कि रमज़ान में इसका किराया बिल्कुल फ्री है। पूरे रमज़ान में आप इसमें ट्रैवल करेंगे, इसका किराया आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, रमज़ान के बाद का किराया चार्ज किया जाएगा। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से आवाम के लिए एक तोहफा है। अभी रमज़ान शरीफ में ये वैसे ही जो है वो फ्री चल रही है, तो अब मुसाफिरों के लिए बहुत सहूलत है, क्योंकि इस रूट पर कोई लोकल, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ भी नहीं थी। तो अब मुसाफिर एसी में बड़े सहूलत के साथ एयरपोर्ट तक सफ़र कर सकते हैं। और वज़ीर आज़म साहब की खसूसी हिदायत पर यह फैसला किया गया है कि रमज़ान में इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। बहुत ही अच्छा फैसला है। जी बिल्कुल, यहाँ पे तो अभी हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और अभी रश तो कम है क्योंकि आज पहला दिन है और आज ही इफ्तिताह हुआ है इसका, लेकिन यह है कि पहले दिन सर्विस चूँकि फ्री दी हुई थी तो मैं भी बाइक से अपने गुजर रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना सर्विस को टेस्ट किया जाए और देखा जाए। से इसको इधर देखने के लिए आया था यूनिवर्सिटी से निकल के, ये बड़ा अच्छा हुआ है हमारे लिए। अभी हम इधर आसान से सफ़र कर सकते हैं, हम अभी बस का इंतज़ार नहीं कर सकते अपने यूनिवर्सिटी का। इधर से आराम से यूनिवर्सिटी जाएंगे और फारिग होकर इधर से आराम से आएंगे। मेट्रो में बैठा हुआ हूँ और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 26 के स्टॉप और एयरपोर्ट की साइड से मैं आया, उसके बाद 26 के स्टॉप के बाद अब मैं वापस जा रहा हूँ पेशावर मोड़। शहबाज शरीफ साहब ने आज इसका इंतजार कर दिया है, एक लोगों की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। अगर एयरपोर्ट जाना होता था तो 2000-2500-3000 का फेयर आप कैब वाले को देते थे और उसके बाद आप एयरपोर्ट पहुँचते थे। अब बाजारिया मेट्रो आप सिर्फ 30 रुपीज़ आपने पे करने और आप एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे 26 के स्टॉप। और रस्ते में गोरा वगैरह तकरीबन इसके 8 स्टॉप हैं पेशावर मोड़ से। आवाम के लिए एक रिलीफ पैकेज दे दिया गया है, कमिंग जो ईद है, ईद आने तक इससे कोई आपसे किराया चार्ज नहीं किया जाएगा। आवाम के लिए एक तोहफा है, रिलीफ पैकेज है, उसके बाद 30 रुपीज़ किराया इसका चार्ज होगा। शहबाज शरीफ ने अपना ये बहुत बड़ा इकदाम उठाया है, माह रमज़ान के महीने में इसका किराया फ्री कर दिया है। मेट्रो बहुत सारे लोग लाइक करते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए, अपने रोज़गार पर जाने के लिए, अपने यूनिवर्सिटी वगैरह जाने के लिए, कॉलेज वगैरह जाने के लिए। तो इस अच्छे इकदाम के साथ आज दूसरी वीडियो आपके लिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा बोल बस को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर किसी अच्छे अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए सामान।